मैंने ये फिल्म देखी नहीं है और आपके सामने है कि सेंसर सर्टिफिकेट है, किसने देखी, इसके अंदर सब लिखा हुआ है और किसने क्या किया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ अलग ही बोल रहा हूँ। सेंसर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा जाता है किसने फिल्म देखी और किस तरह से पास हुई फिल्म, तो इसमें कोई राह नहीं है कि मैं ये फिल्म नहीं देखी। मैंने कल सबको अवगत कर दिया इस चीज़ से और आपके सामने फिर वही सवाल उठ रहा है कि आज कि मैं फिल्म नहीं देखता। 2125 फिल्में जो है जब से मैं आया हूँ उसमें पास हुई हैं, जिसमें से 58 फिल्म जो है रिवाइजिंग कमेटी में गई, जो मतलब मेरे पास आती है, अदरवाइज जो एग्जामिनिंग कमेटी में जो फिल्में पास होती है वो चेयरमैन के पास नहीं आती। स्पेक्टर मूवी स्पेसिफिकली की बात करें और उस सीन की बात करें, उसको जो एडिट करने के लिए देखिए, ये तो अपना एग्जामिनिंग कमेटी जो होती है, जो दो लेडीज होती है, दो जेंट्स होते हैं, चार पैनल मेंबर्स होते हैं और एक ऑफिसर होता है, वो या तो RO हो सकता है या AR हो सकता है, जो सबसे बड़े मतलब जो ऑफिस चलाते हैं, रीजनल ऑफिसर जिसके अंडर ऑफिस आती है, उन्होंने ये फिल्म खुद देखी है और जो उन्होंने गाइडलाइन के हिसाब से या जो उनको रेटिंग दी गई है यू के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से जो पास कर सकते थे वो उन्होंने पास किया और पैनल मेंबर के यूनानिमस डिसीजन के हिसाब से पास हुआ।